सबसे पहले बेटा पहली बता रहा हूं मैं, या तो मेरे हिसाब से पढ़ो वरना मत पढ़ो यार, तुम मुझसे मत पढ़ो, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है नाउ, ठीक है। मैं क्लास को आज पहली बार छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा मूड है नहीं इस टाइम पढ़ाने का, मैं क्लास अभी छोड़ रहा हूं, ठीक। आपसे पहली बता रहा हूं, आप मत पढ़ो यार मुझसे, मैं कह रहा हूं कि आपसे पढ़ने के लिए मत पढ़ो ना। जितने भी ज्ञानी लोग हैं जिनको जिनको लग रहा है कि सर लेवल ऐसा हो रहा है, लेवल वैसा हो रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो मुझसे? मैं पढ़ाना ही नहीं चाह रहा हूं आपको। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने पैसे दिए तो 2.0 में जाके पढ़ लो ना, 3.0 में जाके पढ़ लो ना। पैसे दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना टीचर तेरा गुलाम हो गया। साले सामने आएगा ना ऐसा रैप्टर खींच के मारूंगा ना, घूम के गिरेगा नीचे की तरफ, सारी गुलामी निकल जाएगी 2 सेकंड के अंदर। सारी बात समझ में, ठीक है? हाँ सीरियसली बोल रहा हूं मैं, सीरियसली तेरे को जो करना है कर ले, ठीक है। और मैं चाहता हूं मत पढ़ो ना भाई मुझसे। इस बैच में मैं चाहता हूं केवल वही बच्चे पढ़े प्रयास 1.0 के, जो मेहनत करते हुए यहां पर टिकते हुए आए हैं। मुझे वही बच्चे चाहिए, मुझे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाने भाई, ना पढ़ने वाले बच्चों के सामने मुजरा नहीं करना है मुझे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो तुम जो भी है तुम जाओ यार, प्लीज मत दो ज्ञान, हमें जरूरत नहीं है ज्ञान की। मेरे पास सफिशियंट ज्ञान है सिलेक्शन निकलवाने के लिए। अगर तेरे पास साले ज्ञान होता तो IIT में बैठा होता तू, शर्म कर जाके देख अपनी तरफ, टीचर को ज्ञान देने चला है तू। बात समझ में आ रही है? तो ऑल ऑफ यू ऐसे जितने लोग हैं, ठीक है, तुम अपना कैरियर बर्बाद ना करो, मेरा तो कुछ कर नहीं पाएगा, पहली बता दे रहा हूं मैं। इतना तो तू समझ गया होगा कि मैं टीचर कैसा हूं, मैं जहां भी पढ़ाया हूं अपनी शर्तों पे पढ़ाया हूं। और मेरी शर्तें बहुत ही सिंपल होती है कि पढ़ने वाला बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरी पहली शर्त होती है। मैं कोई लोलो पोपो करने वाला टीचर नहीं हूं, मैं कोई आगे पीछे बटरिंग करने वाला टीचर नहीं हूं, ना मैनेजमेंट का, ना कभी मैनेजमेंट की बटरिंग करता हूं, ना मैं बच्चों की बटरिंग करता हूं। मेरा एटीट्यूड ऐसा है तो है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई साहब किस तरह बच्चों को सिलेक्शन के उस पार लेके जाना है। ये किया है मैंने पिछले 10 साल में। बात समझ आ रही है? तो देखो जहां मेल करना है सेंड करना मेरे बारे में कर दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कैसे पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ने वाले बच्चों को सिलेक्शन के उस पार लगाया जाता है, मुझे इतना आता है और ये ही चाहिए इस फील्ड के लिए। बात समझ मारी है? तो आप चाहो तो आप जाओ यहां से, ठीक। इस क्लास में केवल वही बच्चे रहे जिनका टारगेट सिलेक्शन लेना है, उसके बाद मैं तू मेहनत करेगा मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ चलेगा तो फिर उसके बाद लावी मोमेंट क्लास में जो है वो आते रहेंगे, कभी शायरी के फॉर्म में, कभी जोक के फॉर्म में, वो आते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, यस सर वी आर विद यू, आप जैसे चलो वैसे हम चले। और प्रयास 1.0 के बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे, मैं उनकी मेहनत को इस तरह पानी नहीं फेर रहा हूं, मैं उनके इमोशन पे पानी बिल्कुल नहीं फेर रहा हूं। हैं ऐसे बच्चे कि जो खूब मेहनत कर रहे हैं, मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, पिछले साल भी थे, पिछले साल के PPT बैच में भी थे, उन्होंने खूब मेहनत करी, सिलेक्शन लिया। पास ऑन मारे, ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जिनकी मैं भी नहीं सोच सकता था कि इनका सिलेक्शन होगा। और इस साल भी लेके दिखाएंगे ये लोग सिलेक्शन, इस साल भी लेंगे। अभी तक जितने बच्चे यहाँ पे सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हैं ना बेटा, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं इतना तो पैटर्न समझ गया हूँ PW का। पता है क्या पैटर्न है? कि अगर सपोज 10,000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया ना स्टार्टिंग में, तो 3 महीने के अंदर जब क्लास यहाँ पहुंचती है ना, 3 महीने के अंदर, तो 10,000 में से मुश्किल से 1,000 या 1,500 बच्चे होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं, टीचर के साथ रहते हैं, बाकी सब पीछे। और अगले 3 महीने की तरफ जाएगा तो ये 1,000 की क्वांटिटी फिर ये 500 रह जाती है, और फिर और 3 महीने जाएगा तो फिर ये 500 की क्वांटिटी मुश्किल से 100 रह जाती है। ये तेरा 8 से 9 मंथ का डाटा है। और ये 100 बच्चे वो होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं और बहुत साइलेंटली उन्होंने मेहनत की होती है, इन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी सब तो फीस जमा करने के लिए ना, रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए, तो करो भाई, कराओ रेवेन्यू जनरेट, करा ही रहे हो तुम वो चीज, या फिर अपनी जो आपकी प्रवृत्ति है कि हमें सबको नुकसान, बाकी लोगों का नुकसान करना है, बाकी लोगों को परेशान करना है, तो आप कर रहे हो, तो वो आप भुगतोगे, सीधी सी बात है। अभी इस बैच का बच्चा डिसाइड करे कि तुम्हें कहां जाना है, ये चीज है। कंटेंट टीचर सबको एक जैसा देता है, फिर क्यों भाई मार्क्स का डिफरेंस आता है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की नॉलेज भी सेम होती है, ठीक, भगवान भी तो कोई चीज देखता है ना, ऐसा थोड़ी ना, भगवान जी भी तो देखता होगा ना, साले तूने बहुत दिल दुखाया है तो तू देख, तुझे तेरा सिलेक्शन मैं नहीं होने दूंगा, होता ही है भाई। मैं आज की क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा उसको नोट कर लीजिएगा, और प्लीज इस चीज पे गंभीरता से सोचिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं कोई मेरा गुस्सा फेक नहीं है, मैं जो भी हूँ तेरे सामने बिल्कुल सच्चा हूँ, बिल्कुल ट्रूली पढ़ा रहा हूँ। मेरा मूड खराब होता है रिफ्लेक्ट होता है, मेरा मूड खुश होता है रिफ्लेक्ट होता है, वो मेरी स्माइल से दिख जाता है। कोई मेरा फेक गुस्सा नहीं है, कोई मेरी फेक स्माइल नहीं है, मैं जो भी हूँ ट्रांसपेरेंट हूँ और वो तुझे दिख रहा है। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसी प्रकार का माहौल अगर मुझे देखने के लिए मिलेगा आगे, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तो समझ जा, मुझे अगर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे मैं उठा लूंगा, मुझे अपनी लाइफ का पीस चाहिए,
ये तेरी तेरी क्लास में बोल रहा हूं, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, साला तुम्हारे बैच में आके मेरी लाइफ का पीस खत्म हो गया। आज से जब मैं पुरानी अभी 8-9 पिछले साल की जब मैं वीडियो देखता हूं अपनी उसमें, और पिछला बैच साल का जो बैच था ना पीपीटी बैच, इतना अच्छा बैच था कि मैं क्या बताऊं, मेरे दिल से दुआ निकलती है साली कि मैं लाइफ में मतलब मेरा उनको जितना मिल जाए उतना, मतलब वो सारे बच्चे लाइफ में आगे खूब आगे जाए, खूब आगे जाए, खूब आगे जाए, मैं उनकी लाइफ में अगर कुछ और कर सकूं आई एम रेडी टू डू दैट। उन बच्चों ने इतना अच्छा माहौल मुझे दिया था कि क्या क्या ही बताऊं मैं। आज तक मैं उस बैच को हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा जिसको मैं पीपीटी बैच बोलता था। भले उसमें से किसी बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ हो, किसी का हुआ हो, लेकिन उन बच्चों ने जो माहौल प्रदान किया था ना क्लास में, गजब का माहौल था, गजब का माहौल था। वो भी पता है कब? जब वो अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ था। तुम्हारा तो पहले अगस्त में स्टार्ट किया था मैंने सोच काइनेमेटिक्स, अगस्त में, अगस्त के बाद जुलाई, अगस्त के बाद तुरंत जो आता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एकदम से दिसंबर आ गया था, 4 महीने के अंदर एग्जामिनेशन आ गई थी, उसके बाद सोच, उसके बाद, और जनवरी में पेपर हो गया था, उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल उनमें से किसी ने चबड़चू नहीं करी, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे और उनका बेस्ट रिजल्ट निकल के आया। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। और सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ठीक, मैं अंदर से खुश रहूंगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा बहुत, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा ईगो नहीं है, लेकिन मैं पूरा मार्केट देख चुका हूं। तू मुझे अंदर से खुश रखेगा ना, मैं तुझे ऐसा बेस्ट पढ़ाऊंगा कि हिंदुस्तान में कुछ पढ़ा भी नहीं पाएगा जल्दी से। मैं जानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं इस बात को, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है कि तेरे कितने भारी भारी सवाल क्यों ना, कितने मुश्किल मुश्किल सवाल क्यों ना हो, कि तू एकदम, तुझे ऐसा लगेगा आसानी है सब,